मर भी जाऊं तो कहां लोग भुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे मेरे होने की गवाही देंगे। मोहब्बत और खुशबुओं के रंग बिखेरने वाली मारूफ शायरा परवीन शाकिर, इंसानी जज्बात और एहसासात को लफ्ज़ों में परोने वाली नवंबर 1954 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। परवीन शाकिर तालीमी दौर से ही मुख्तलिफ उर्दू अदबी इल्मी प्रोग्रामों में शिरकत करती रहीं। तालीम मुकम्मल करने के बाद 9 बरस तक शोबा तदरीस से वाबस्ता रहीं। CSS का इम्तहान पास करने के बाद इस्लामाबाद में CBR में सेकंड सेक्रेटरी मुकर्रर हुईं। इसके बाद कस्टम में ही इंस्पेक्शन और ट्रेनिंग की डिप्टी डायरेक्टर मुकर्रर हुईं। 1976 में डॉक्टर नसीर से शादी हुई और 1978 में आपका बेटा मुराद पैदा हुआ और सन 1987 में उनकी अपने शौहर से अलहदगी हो गई। मेरे छोटे से घर को किसकी नज़र ए खुदा लग गई, कैसी कैसी दुआओं के होते हुए बददुआ लग गई। शायरी से लगाव और शौहर से अलहदगी का गम उनकी शायरी में नुमाया है। शायरी की दुनिया में उन्हें अहमद नदीम कासमी जैसे अदीब की सरपरस्ती रही। परवीन शाकिर की मारूफ किताबों में खुशबू, सदेबर्क, खुद कलामी, इनकार और माह तमाम है। 1990 में उन्हें सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। आपका कलाम अजीम गुलकाराओं जैसे मेहंदी हसन, टीना सानी ने गाया। इस्लामाबाद में 26 दिसंबर 1994 को ऑफिस जाते हुए गाड़ी ट्रैफिक हादसे का शिकार हुई और कोयल से लबो लहजे की हामिल शायरा 42 बरस की उम्र में अबदी नींद सो गई। वक्त से कोई शिकायत है न अफलाक से है, यही क्या कम है कि नस्बत मुझे इस खाक से है।